भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के पास जवाहर नगर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज सुबह भयानक विस्फोट हुआ और इस घटना में एक कर्मचारी की मौत हो गई। धमाका CX सेक्शन में हुआ है। मृतक का नाम अविनाश मेश्राम है। अविनाश मेश्राम आज सुबह पहली शिफ्ट में काम करने आए थे। यह शिफ्ट सुबह 6 बजे शुरू होती है। उनके काम शुरू करने के 2.5 घंटे के बाद यह घटना घटी। धमाका होते ही आयुत फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड तुरंत आग बुझाने के लिए पहुंची और तुरंत आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस घटना से कर्मचारी घबरा गए। इससे पहले भी भंडारा शहर के पास सनफ्लैग कंपनी में विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें 3 कर्मचारी झुलस गए थे। इस साल भंडारा जिले में दुर्घटना की यह दूसरी घटना है। इससे शहरवासी भी दहशत में आ गए हैं। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ, जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक भंडारा। आयुष्मान कार्ड जारी करने में जिला राज्य में चौथे स्थान पर है और 4,79,308 यानी 47% नागरिकों ने यह कार्ड बनाया है। पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित ने कहा कि विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में उद्योग और जिले के समग्र विकास के लिए वह प्रतिबद्ध है। वे पुलिस मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत बजाया गया। इसके बाद पुलिस, होमगार्ड, स्कूली छात्र छात्राओं सहित विभिन्न टीमों ने मानवंदना अर्पित की। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर चिपकाटे, सांसद सुनील मेंढे सहित जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, उपवन संरक्षक राहुल गवई, निवासी उप जिलाधिकारी फल के मंच पर उपस्थित थे। उन्होंने इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आशा व्यक्त की कि सभी जिलावासी तथा शासन प्रशासन मिलकर अपने जिले के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें। गावित ने कहा कि अनेक ज्ञात अज्ञात शहीदों के संघर्ष से आज़ादी मिली है और जनता की भागीदारी से ही देश में समृद्ध लोकतंत्र की परंपरा कायम है। भंडारा जिले को पर्यटन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने 100 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई गई है। वन पर्यटन के साथ साथ जल पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और पर्यटकों के लिए विभिन्न सुविधाएं तैयार की जा रही है। जिले में उद्योग को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का उद्योग निदेशालय सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और राज्य सरकार की महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्लस्टर विकास कार्यक्रम नामक 2 योजनाएं हैं। क्लस्टर योजना से MSME क्षेत्र को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए भंडारा जिला प्रशासन 7 तालुकाओं में कम से कम एक क्लस्टर बनाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा पालक मंत्री गावित ने कहा। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ, जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा जिले के कोका अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले सूर्यवाड़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से हिरण की मौत की घटना सुबह के दरमियान घटित हुई। इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। वहीं वन विभाग ने मृतक हिरण का पंचनामा कर उसे कब्जे में ले लिया है।
भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया है। शिंदे सरकार ने आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान ली है। शनिवार 27 जनवरी को सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से नवी मुंबई में मुलाकात की। उन्होंने जरांगे को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया और अध्यादेश की कॉपी सौंपी। आंदोलन खत्म करने के बाद जरांगे ने कहा, हम 4 महीने से मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे। मराठा आरक्षण के लिए करीब 350 युवाओं ने आत्महत्या की। आज उनका सपना साकार हुआ। अब सरकार पर आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी है। अगर इस बार धोखा हुआ तो मैं मुंबई के आजाद मैदान आ जाऊंगा। इससे पहले शुक्रवार को जरांगे ने शिंदे सरकार को आज सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था, अगर 11 बजे तक आरक्षण का अध्यादेश जारी नहीं किया गया तो वे 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान पहुंचकर आंदोलन करेंगे। इसके बाद शिंदे सरकार ने देर रात अध्यादेश का ड्राफ्ट जरांगे के पास भेजा। इसमें जरांगे की मांगों का जिक्र था। मनोज जरांगे ने शुक्रवार 26 जनवरी देर रात आंदोलन खत्म करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, सीएम एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, हमारी अपील मान ली गई है, हमारा विरोध अब खत्म हुआ। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा जिला पुलिस विभाग की ओर से 28 जनवरी 2024 को सुबह 6 बजे पुलिस अधीक्षक लोहित मता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर काटकड़े के मार्गदर्शन में रन विद पुलिस महामैराथन प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे ग्राउंड खात रोड भंडारा में किया गया है। इस महामैराथन स्पर्धा में 10 किलोमीटर दौड़ में महिला और पुरुष प्रथम पुरस्कार 25,000 रूपए, साथ ही द्वितीय पुरस्कार 15,000 रूपए और तृतीय पुरस्कार 10,000 रूपए, वही 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम पुरस्कार 15,000 रूपए और द्वितीय पुरस्कार 10,000 रूपए और तृतीय पुरस्कार 5,000 रूपए रखा गया है। पिछले वर्ष रन विद पुलिस महामैराथन में 5,000 से 6,000 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। उसी प्रकार इस वर्ष भी उतने ही प्रतियोगी भाग लेने वाले है। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर काटकड़े ने किया है कि भंडारा जिले से अधिक प्रतियोगी भाग ले और प्रतियोगिता का आनंद ले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8830892261 7020186143 या फिर 9511851841839074546 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले थोक सब्जी मंडी में गणतंत्र दिवस सभी व्यापारियों ने मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। महात्माओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया तथा राष्ट्रगीत गाकर मंडी के सभी व्यापारी एकत्रित होकर भारत माता के जयकार से महात्मा ज्योतिबा सब्जी मंडी देशभक्ति में हुआ, जिसमें सब्जी मंडी के 40 व्यापारियों ने एकत्रित आकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति चढ़वड़ के नेता परमानंद मेश्राम, प्रहार संगठना के जिलाध्यक्ष अंकुश वंजारी, किसान नेता महेंद्र मेंढे, सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा उपरीकर और अन्य व्यापारीगण उपस्थित थे। We'll be right back.
भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में। विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। रेलवे मैदान में 5 दिवसीय महासंस्कृति महोत्सव का उद्घाटन पालक मंत्री विजय कुमार गावित ने किया। इस मौके पर गावित ने कहा कि महासंस्कृति महोत्सव, ग्रंथ महोत्सव, साथ ही जिला कृषि महोत्सव के त्रिवेणी उत्सव जिले के लोगों के लिए एक मेजबानी है। मंच पर जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर चिपकाटे, सांसद सुनील मेंढे, जिला परिषद सदस्य देवा इलमे, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुलतकोटी उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पुलिस विभाग की ओर से उपविभागीय पुलिस अधिकारी अशोक बागुल और उनके सहयोगियों ने माँ तुझे सलाम, मेरे देश की धरती जय हो जैसे देशभक्ति गीतों से माहौल में जोश भर दिया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने इन गीतों पर उत्साह पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से एवं जिला प्रशासन के समन्वय से आयोजित 5 दिवसीय महासंस्कृति महोत्सव का रेलवे मैदान खात रोड पर बड़े जोर शोर से शुभारंभ हुआ। यह उत्सव झाड़ी बोली व झाड़ी पट्टी की अनोखी संस्कृति का जश्न मनाने और स्थानीय कलाकारों और लुप्त हो रहे कला रूपों को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया है। इसके बाद विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक एकता का संदेश देने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का प्रस्ताविक जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने किया तथा आभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी ने माना। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में। विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। आप देख रहे हैं बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की एआई एंकर के साथ शमशेर खान की खास खबर। भंडारा जिला पुलिस द्वारा रन विद पुलिस महामैराथन का आयोजन। भंडारा जिला पुलिस विभाग की ओर से दिनांक 28 जनवरी 2024 सुबह 6 बजे पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में रन विद पुलिस महामैराथन प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे ग्राउंड खात रोड भंडारा में किया गया है। इस महामैराथन स्पर्धा में 10 किलोमीटर दौड़ में महिला और पुरुष प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए, साथ ही द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपए, वही 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए रखा गया है। पिछले वर्ष रन विद पुलिस महामैराथन में 5,000 से 6,000 प्रतियोगियों ने भाग लिया था, उसी प्रकार इस वर्ष भी उतने ही प्रतियोगी भाग लेने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने आह्वान किया है कि भंडारा जिले से अधिक प्रतियोगी भाग ले और प्रतियोगिता का आनंद ले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8830892261 7020218614 या फिर 9511851841839074566 पर संपर्क करें। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में। विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। आगामी काळात लोकसभा निवडणुका होणार आहे, त्यामुळे महायुतीने मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली आहे। ज्याप्रमाणे आम्ही वरिष्ठ नेते एकत्रित आलो, त्याचप्रमाणे जिल्हा पातळीवरील नेते एकत्रित यावे, यासाठी 14 जानेवारीला राज्यभरात महायुतीचा मेळावा देखील पार पडला होता। या महायुतीच्या गोंदिया मेळाव्यामध्ये भाजपा नेत्यांनी महायुतीच्या उमेदवार राष्ट्रवादीचा जरी असेल तरी आम्ही त्यांना निवडून आणण्यासाठी मदत करू असे वक्तव्य केले होते। त्यानंतर भाजपाचे विद्यमान खासदार सुनील मेंढे यांनी इच्छा व्यक्त करत 2024 मध्ये पक्ष मला पुन्हा संधी देईल असे वक्तव्य केले होते। रांगेमध्ये माझं नाव असायचं कारण नाही, रांगेमध्ये सगळ्यात प्रथम नाव माझं असायला पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की मी जे काही आत्तापर्यंत केलेलं आहे 5 वर्षाच्या आसपास काळामध्ये, आणि जे शक्य होईल ते लोकांसाठी, या माझ्या लोकसभेतील लोकांसाठी मी, तुम्हाला आठवत असेल तर कोविडच्या काळापासून, काळ असो त्यावेळेसुद्धा मी
ग्राउंडवरती जमिनीवरती राहून जे जे शक्य असेल ते करण्याचा प्रयत्न केला। तेव्हापासून सतत मी माझ्या परीने मी या भागातील लोकांची सेवा करत आलो आणि मला विश्वास आहे परत एकदा माझ्या लोकसभेतील लोक मला निश्चितपणे परत एकदा लोकसभेत पाठवतील हा विश्वास मला निश्चितपणे आहे। दावा करणं, राजकीय पक्षांनी दावा करणं हा काही नवीन विषय नाही, परंतु आपल्या सर्वांना माहिती आहे ही जागा भाजपनी आपल्या बाजूनी बरेच वेळा राखलेली आहे आणि या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये भाजपचं स्वतःचं संघटन आहे, काम आहे आणि मागच्या वेळेस तर आम्ही 2 लाखांनी निवडून आलेलो आहोत, त्यामुळे प्रथम तर आम्ही याच्यावरती क्लेम करू सोडण्याचं काही निश्चित काही कारण नाही आणि मला विश्वास आहे यावेळेस मात्र आम्ही 3 लाखपेक्षा जास्त मताधिक्यांनी ही सीट राखू असा विश्वास पण यावेळेस आम्हाला। मात्र गोंदिया भंडारा लोकसभेवरून महायुतीतील रस्सीखेच थांबता थांबत नाही। राज्याचे अन्न व औषधी पुरवठा मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी आज पुन्हा लोकसभेवरून वक्तव्य केले असून त्यांचे राष्ट्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल हे या जागेसाठी इच्छुक आहेत। त्यांना जर ही जागा मिळाली तर महायुतीच्या वतीने त्यांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असेही आत्राम म्हणाले। मागणी करायला कोणताच प्रकारचा हरकत नाही। मला सुद्धा इच्छा आहे की मी लोकसभेमध्ये गेला पाहिजे, परंतु महायुतीचे नेते बसतील, ते बसल्यानंतर निर्णय होईल आणि जे कोणी उमेदवार असेल महायुतीचा तो उमेदवाराला निवडून आणण्याचं काम तिन्ही नेते जे खाली असलेला पक्ष काम करेल आणि निवडून आणण्याचं काम आपण करणार आहोत। असं काय नाही, आमचा पाठिंबा सगळ्यांना आहे, म्हणजे BJP आहे, शिवसेनेचा पाठिंबा BJP राष्ट्रवादीला आणि राष्ट्रवादीला पाठिंबा BJP आणि शिवसेनेचा, आम्ही एकमेकाला सोबत आम्ही किती काय असेल तुमचं जे बाहेर जे तुम्ही करत जे ह्याच्यामध्ये दाखवता TV काय भानगड असला तरी आम्ही एक आहोत, एका टाटामध्ये खाणारे आम्ही लोक आहोत। हां, भंडारा गोंदिया सीट हा ओपन आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण आपले नेते जे आहेत गोंदियाचे आपले राष्ट्रीय नेता आमचे उपाध्यक्ष आहेत प्रफुल्लभाईजी पटेल हे इच्छुक आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून ते जागा जर त्यांना मिळाला महायुतीच्या माध्यमातून ते निवडून आणण्याचं काम आपण करू। तर याच जागेवरून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांना विचारले असता मागील 2 पंचवार्षिक मध्ये भाजपाने या ठिकाणी विजय राखला असून आमचे विद्यमान खासदार सुनील मेंढे हे चांगले कार्य करत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर पक्ष अन्याय करणार नाही असे वक्तव्य करत सुनील मेंढे यांची पाठराखण केली। कसं आहे, प्रत्येक पक्षाला वाटतं माझ्या कार्यकर्त्याला मिळालं पाहिजे, प्रत्येक जण दावा करतो पण शेवटी काय हे पक्षश्रेष्ठी ठरवतात कोणाला द्यायचं कोणाला नाही द्यायचं आणि आपले आपलं खासदार महोदय आहे ते चांगलं काम करतायत त्याच्यामुळे निश्चितपणानं पक्ष त्यांचा निश्चित विचार करेल अशी मला आशा आहे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।